नमस्कार दोस्तों, चर्चा बोर्ड द फिल्म एडम आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म मैकूट द शिप की, जिसे 2020 पे रिलीज किया गया था, लेकिन अब ये Amazon, MX और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये एक ड्रामा जॉनर मूवी है जिसके राइटर एंड डायरेक्टर हैं रूफी खान। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस फिल्म को और जानेंगे क्या फिल्म आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मोजी की, जो कि एक बकरवाल है। बकरवाल यानी भेड़ बकरियों को चराने वाला। मोजी एक काफी शरीफ और ईमानदार लड़का रहता है। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। वो अपने काम के साथ भेड़ों के साथ खेलता भी है, और इसी भेड़ के झुंड में उसके एक सबसे प्यारा रहता है मैकूट, जिसकी वो काफी केयर भी करता है। एक तरीके से मैकूट उसका दोस्त भी रहता है। एक दिन वहाँ पे एक शहरी घूमने आता है जो मोजी के साथ रहता है। वो मोजी को एडल्ट वीडियोस की लत लगवा देते हैं। इसके बाद से मोजी दिन रात इंटरनेट पे सिर्फ एडल्ट वीडियोस ही देखा करते हैं। तो अब आगे क्या होता है? क्या मोजी ने एडल्ट वीडियोस से में डूब जाता है? आखिर कैसे ये एडल्ट वीडियोस हमारे जिंदगी पे असर डालती है, और क्या रहती है मोजी की आगे की पूरी कहानी, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। वेल, कहां देखनी? तो ये फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम, MX प्लेयर, हंगामा एंड ऑल्सो YouTube में भी। तो जहां आपको पॉसिबल हो आप इसे वहां देख सकते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट एंड स्टोरी टेलिंग काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे कॉन्सेप्ट पे बहुत कम ही फिल्म देखने को मिलती। इसकी स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है, जो कहीं भी आपको बोर नहीं करती। फिल्म में डायलॉग्स का एक अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। इसके सिनेमाटोग्राफी में भी काफी वर्क किया गया है, जो आपको काफी रियलिस्टिक लगता है। फिल्म में लीड रोल में है फिल्म के राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर रूफी खान, अशरफ नागू, लोकेश कुमारी शर्मा, आजाद शान, नुमान खान एंड फारूक आदि जैसे कलाकार। सभी ने अपने किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है। नेचुरल एक्टिंग फिल्म के कंटेंट को और भी ज्यादा ऊपर लेके खड़ा कर देती है। तारीफ करने की मेकर सीजन ने ऐसे टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाया है। फिल्म में सॉफ्ट टोन BGM का यूज किया गया, जो फिल्म के अकॉर्डिंग काफी मैच करता है। इसकी 1 घंटा 27 मिनट के ड्यूरेशन भी आपको बीच बीच में लेंदी फील होती है। इसे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक और शॉर्ट किया जा सकता। फिल्म में 2 गाने डाले गए हैं, जिसके धुन एंड लिरिक्स ठीक ठाक रहते हैं। इसका यूनिक कॉन्सेप्ट आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध के रखता है। आगे क्या होने वाला है ये कम्प्लीटली प्रेडिक्ट किया जा सकता, लेकिन इसका एक फैक्टर साबित होता है इसका क्लाइमैक्स, जो कि काफी शॉकिंग है, काफी पेनफुल भी है। आपकी सारी प्रेडिक्शन एंड में गलत साबित होती है। इन शॉर्ट, ये एक दमदार फिल्म है। इसमें काफी स्मार्टली सोशल मैसेज को डाला गया है कि किस तरह एडल्ट वीडियोस हमारी जिंदगी पर असर डाल के हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है, चीज को काफी खूबसूरत से पोर्ट्रेट किया गया है। फिल्म में मोजी एंड महबूब जान की केमिस्ट्री उतनी मैच नहीं करती, एंड इनकी जो मीटिंग फर्स्ट नाइट की दिखाई गई है वो काफी इलॉजिकल लगती है। अगर आपको यूनिक कंटेंट की तलाश में, तो ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। मैं इस फिल्म को रेट करता हूँ 7.5 out of 10 stars। पेंडेगलेंस की बात करें तो इसमें न्यूडिटी एंड सेक्स सीन्स को भर भर के डाला गया है, तो ये टोटली 18+ है। आप इसे सिर्फ अकेले ही देखिए। अगर आपने इसे पहले देखा तो आपको ओपिनियन कैसे नाम साथ कमेंट में शेयर करें, नहीं देखा तो आप इसे देख लें। बाकी वीडियो में कुछ पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस पे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे म्यूजिक कंटेंट देखने के लिए।